फलसुक में बस परिचालक से मारपीट की घटना सामने आई है। बड़वानी जिले में भले ही कसरावत का वो दर्दनाक बस अग्निकांड का मंजर आज भी लोगों के जहन में हो, किंतु कुछ बस मालिक आज भी बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं आरटीओ की लापरवाही से बसों के तय सीमा पर बसें नहीं चलने को लेकर आज भी लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। यहाँ स्थानीय बस स्टैंड पर ऐसा ही एक विवाद सामने आया है। पलसुद निवासी बस संचालक ने अपनी बस को तय सीमा पर नहीं चलाने के बावजूद एक निजी बस के परिचालक के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पलसुद की हक ट्रेवल्स अपने समय से नहीं चल रही थी, जिसकी शिकायत करने पर बस के मालिक कादिर इदरीस सहित 9 अन्य लोगों ने सेंधवा की निजी बस के परिचालक के साथ मारपीट की है। बस के परिचालक ने बताया कि आए दिन बस तय समय से नहीं चलती और इसकी शिकायत की तो 9 लोगों ने ग्रुप बनाकर बेरहमी से मेरे साथ मारपीट की है। विवाद के दौरान बस में बैठी महिला यात्री डर के मारे सहम गई थी। हालांकि फरियादी परिचालक की रिपोर्ट पर पुलिस ने इदरीस कादिर सहित 9 लोगों पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। CID न्यूज नेटवर्क के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बड़वानी। क्या शुभ नाम आपका? मोहम्मद गुलाम मंसूर। क्या हुआ आपके साथ? मेरे को इन्होंने नाजायज मतलब गाड़ी मैंने खड़ी करी और एकदम आए और ये मारने लग गए। कुछ बोला नहीं, बताया नहीं क्यों मार रहे? कुछ भी नहीं बोल रहे, बोले तू दादागिरी बहुत करता, बोले तेरी आवाज की टोन कम कर। कहाँ रहना आपका? सिंधवा। तो डायरेक्ट मारने लग गए कादिर ने सब उसके भाई पूरा भाई। FIR करी आपने? FIR करी ना। क्या गाड़ी नंबर क्या था आपकी? गाड़ी नंबर मेरा MH 19 07 414। कहाँ से कहाँ चलती है आपके भाई? कामोज से बड़वानी।